नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की जीआरपी ने एक साधारण से दिखने वाले शख्स के पास से 40 लाख रुपए बरामद किए हैं। बरामद किए गए सभी नोट 500-500 रुपए के हैं। जीआरपी के अनुसार इस भारी रकम को बिना किसी कागजात के अवैध तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जो की मूल रूप से राजस्थान के बीकानेर का रहने वाला है। 40 लाख रुपए की भारी रकम को लेकर यह शख्स पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के जीआरपी के अंतर्गत आने वाले दिलदार नगर रेलवे स्टेशन से पटना जा रहा था, जहां चेकिंग के दौरान जीआरपी के जवानों ने इसे अरेस्ट कर लिया। फिलहाल पुलिस आगे की विधिक कार्यवाही कर रही है। दरअसल बीते दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की जीआरपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डीडीयू जंक्शन पटना रेल रूट पर स्थित दिलदार नगर में जीआरपी के जवान माघ मेला के मद्देनजर रूटीन चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान उनकी नजर एक साधारण से दिखने वाले शख्स पर गई, जिसके पास एक भारी पिट्ठू बैग मौजूद था। शक के आधार पर जब जीआरपी के जवानों ने इस युवक के बैग की तलाशी ली तो हैरान रह गए। पिट्ठू बैग 500-500 के नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था। इसके बाद दिलदार नगर स्टेशन पर मौजूद जीआरपी के जवान इस युवक को अरेस्ट कर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन ले गए, जहां पर इस युवक से पूछताछ की जा रही है। जीआरपी के अधिकारियों के मुताबिक बरामद की गई रकम स्क्रैप कारोबारी की है, जो हवाला के माध्यम से दिलदार नगर से पटना ले जाई जा रही थी। इतनी भारी रकम के संबंध में इस युवक के पास किसी भी तरह का वैध कागजात नहीं था, जिस पर जीआरपी ने कार्रवाई करते हुए इस रकम को जब्त कर लिया है। जीआरपी ने इस मामले की जानकारी इनकम टैक्स और अन्य एजेंसियों को दे दी है। जीआरपी अब इस बात का भी पता लगा रही है कि यह रकम किस कारोबारी की है जो अवैध तरीके से पैसे का ट्रांसफर करवा रहा था।